दोस्तों नमस्कार, मैं बीसी पटेल फिर एक बार जीएमओटी ओपीटीसीएल मास्टर स्ट्रोक अंडरलाइन एमसीक्यू लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट से, जो 100% 20 नंबर से आपको 8 मार्क आना ही आना है। अगर आपने मेरे इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करिएगा और बेल आइकन बजा के रखिए कि मेरा नया वीडियो निकले तो आपका सामने पहुँच जाए। देखिए ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट 8 मार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 100% ये क्वेश्चन जी, ये ट्रांसफॉर्मर का जो सब्जेक्ट है जहाँ से मैं लिया हूँ इस ट्रांसफॉर्मर का, उसका 100% 8 मार्क है। देखिए नंबर एक में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंज इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं होता है। नंबर ए में करेंट, बी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप जानते होंगे ट्रांसफॉर्मर ये म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है, वन साइड टू अनदर साइड वोल्टेज ट्रांसफार्मर फॉर डू नॉट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर, किसको चेंज नहीं करता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है नंबर टू में देखते हैं दोस्तों, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेयर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। देखिए जो ट्रांसफार्मर है जो एनर्जी जो विद्युत है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, थ्रो द कूलिंग कॉइल, थ्रो द एयर, बाय द फ्लक्स, वन ऑफ द ये बाय द फ्लक्स। ट्रांसफार्मर का जो आपका कन्वर्ट होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी जो एनर्जी है बाय द फ्लक्स में ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये बहुत सस्पेंस वाली क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है और ये आएगा इस साल, ये ट्रांसफार्मर को रिच लेमिनेटेड टू, आपने सस्पेंस हो जाएंगे। रिड्यूस एडी करेंट लॉसेस और रिड्यूस हाइड्रेटिस लॉसेस में आपने सस्पेंस हो जाएंगे और इसका राइट आंसर होता है दोस्तों रिड्यूस हाइड्रेटिस लॉसेस, ये इसका राइट आंसर है। ये गुजरात का ओपीडीसीएल में भी आया था और हरियाणा का ओपीडीसीएल में ये क्वेश्चन आया था आपका टेक्निशियल लेवल में। देखिए नंबर फोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर शुड हैव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 8 मार्क दिया हूँ उससे ये नंबर टू में आता है। ये मार्क हाई रेजिस्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रिलुक्टेंस, ये आता है नंबर डी में आता है, ये लो रिलुक्टेंस इसका राइट आंसर है, नंबर डी लो रिलुक्टेंस, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर सूट है, ये आता है डी में लो रिलुक्टेंस। ठीक है दोस्तों नंबर फाइव में देखते हैं ये क्वेश्चन, ये यूपी का ओपीडीसीएल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया था। पांच नंबर तो नो लोड ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट डिटरमाइन, नो लोड में हम ट्रांसफार्मर का क्या क्या चेक करते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये नो लोड बोल रहा है, ये लोड हम ट्रांसफार्मर को दे नहीं तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटाइज करेंट लॉस आपको डिटरमाइन करेगा। और नंबर सिक्स में देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर एक्सपेक्ट बोल रहा है, स्वीकार करता है किसको, मतलब जो डायलिस्टिक स्टैंड है जो बीडीबी टेस्ट है, मेरा वीडियो एक आया होगा बीडीबी टेस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, उसमें 33 केवी से वो पढ़ना चाहिए एज ए ब्रिटिश स्टैंडर्ड की 33 केवी से एवो होगा तो उसको हमने स्वीकार करते हैं वहां तक कि ये तेल को चला सकते हैं। ठीक है जो डायलिस्टिक स्ट्रेंथ है ट्रांसफार्मर ऑयल का। ठीक है नंबर सात में देखते हैं, यही तो मस्ट क्वेश्चन है। नंबर तीन में ये क्वेश्चन आएगा, ये लिख के लिख लीजिए आप, नोट करके लिख लीजिए, संपन्न टेस्ट इज कंडक्ट ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, क्या करता है ये टेम्परेचर को, टेम्परेचर के लिए हमने संपन्न टेस्ट यूज करते हैं। और मेरा एक वीडियो भी आ रहा है टेस्टिंग का, अलग अलग पार्ट का आ रहा है ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग का, तो उसमें मैं बताऊँगा। ये राइट आंसर है नंबर ए, टेम्परेचर के लिए हमने संपन्न टेस्ट कंडक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है और मेरा जो वीडियो आ रहा है आने वाला है उसको देखें, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम, तो इफिशियंसी क्या होता है जो, तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम क्या होता है, ये कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस होता है। आपने जब लॉसेस पढ़ेंगे, जब थ्योरेटिकल का लॉसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम, है ना, ये आएगा कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, ये दोनों आएगा, ये राइट आंसर है, ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये 20 क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट से, खाली इतना ही पढ़िए, ये तो आना ही आना है,
इसको सबसे पहले आप डायरी में नोट करें, इसको रिव्यू करूंगा दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 9, नो लोड करेंट इज ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर में नो लोड करेंट रहता है तो क्या होता है, लैग बिहाइंड द वोल्टेज अबाउट 75 डिग्री, लीड द वोल्टेज अबाउट 75 डिग्री, लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 15 डिग्री, लीड द वोल्टेज बाय 15 डिग्री। ये आता है नंबर ए राइट आंसर है, लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। ये आप जान लीजिए। तो नो लोड करेंट इन ए ट्रांसफार्मर, जब मैं एग्जाम दिया था, जब मैं तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, उस समय क्या था कि मैं ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और आप विश्वास नहीं करेंगे ऑफिशियल सॉर्स से मैंने 85 मार्क रखा था। व्हील कंडक्टर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर द फ्लोइंग साइड शॉर्ट सर्किटेड। ये बोल रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ट्रांसफार्मर का कौन सा साइज शॉर्ट करते हैं, इसमें आपने हाई वोल्टेज और प्राइमरी इसमें सस्पेंस हो जाएंगे, ये होता है लो वोल्टेज साइड, हमेशा याद दे दीजिए। बहुत आदमी क्या करते हैं, टिक करके आ जाते हैं सेकेंडरी साइड सेकेंडरी साइड सेकेंडरी साइड, जहाँ लो वोल्टेज है हम वहीं पर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब करते हैं, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, मैं बता रहा था जिस टाइम मैं ओपीडी सर का एग्जाम दिया था, तो उस समय मुझे मैं गैस भी किया था कि मेरा 90 तक आएगा, लेकिन आया नहीं। नंबर 11 में एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफर क्या करता है, वोल्टेज करेंट पावर फ्रिक्वेंसी। देखिए वोल्टेज करेंट फ्रिक्वेंसी ये सब कुछ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये करता है दोस्तों पावर, पावर को करता है ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म पावर पावर ट्रांसफर करता है। वोल्टेज तो वन साइड टू अनदर साइड हो जाता है, करंट जब लोड देंगे तब कैरी करता है, फ्रीक्वेंसी उसका कांस्टेंट रहता है। कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा आंसर, ये होता है पावर। ठीक है दोस्तों, नंबर 12 में देखते हैं, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज इन डीसी सप्लाई बिकॉज। क्या करेंगे जब ट्रांसफार्मर को हमने कैन नॉट डीसी सप्लाई देंगे तो क्या राइज करेगा, कैन नॉट राइज करेगा। ये नंबर सी है, आंख बंद करके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड साइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स इज जीरो। ये लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन भी लिख के रखिए, ये तो आएगा इस साल। देखिए आपका क्वेश्चन में, मैं जब क्वेश्चन आएगा जिस दिन आप एग्जाम देंगे, इसके बाद क्वेश्चन जब आएगा आंसर से आएगा तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आना ही आना है ट्रांसफार्मर से। ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई बिकॉज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड। ठीक है, नंबर 13 में देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑर्डर ऑफ। देखिए जब पावर ट्रांसफार्मर, आप तो इसको 100% भी कह सकते हैं जब पावर ट्रांसफार्मर आ जाए, तो यही तो डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, खाली इफिशियंसी का डिफरेंस है। ये 98% आएगा इसका राइट आंसर, लेकिन आप 100% बोलेंगे तो कोई गलत नहीं हो सकता है, लेकिन 100% होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 98% को टिक करेंगे, 98% को हमने टिक करेंगे। ठीक है, ये 100% होता रहेगा, लेकिन इसका राइट आंसर है भी 98% को। इफिशियंसी डिफरेंस करता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और कौन सा पावर ट्रांसफार्मर है। देखिए नंबर 14, ये आना ही आना है, दोनों नो लोड करेंट ट्रांसफार्मर लैग बिहाइंड अप्लाई वोल्टेज एंगल अबाउट। मैं इससे पहले आपको बता चुका था कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा घुमा के लूंगा, जो आना ही आना है। ठीक है, जो आना ही आना है, इस साल आना है ओपीटी सेल में ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट का, इस साल आना है। इसको आप जितना बार है उतना बार इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रख लीजिए, 75 डिग्री होता है लैग बिहाइंड द अप्लाई वोल्टेज बाय एंगल। ठीक है, ये 75 है दो नो लोड करेंट में। ठीक है, इसको नोट करके आप जरूर रखिए, जरूर रखिए क्वेश्चन को, अपने उठा के देखिए। वीके मेहता, आर के राजपूत इस क्वेश्चन को कितना बार लिए हैं वो लोग। नंबर 15 में देखते हैं, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये जीके गोलगोटिया का ये डिफरेंस पार्ट है, अभी मैं पहले ही बता रहा था, जो इफिशियंसी है इफिशियंसी से ही पता चलता है कि इसका पावर ट्रांसफार्मर की आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, ये एट ए 50% फुल लोड, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में आप 100% बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें क्या होता है 98% या 98.5% का इफिशियंसी रहता है। ठीक है, नंबर 16 में देखते हैं, ट्रांसफार्मर ब्रीथ इज व्हेन, ये आप सस्पेंस कर सकते हैं ए और बी में। ये जो टैलेंट फिलहाल टैलेंट स्टूडेंट है वो भी सस्पेंस में पड़ जाएंगे, लोड अन इनक्रीज लोड अन डिक्रीज, इसी में वो लोग क्या होते हैं
ये जब आप जीके गोलगटिया का पढ़ेंगे तो उसमें लोड ऑन इट्स इंक्रीज लिखा है, ये राइट आंसर है। और आर के राजपूत का पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह गलत आंसर दिया है, लोड ऑन इट्स डिक्रीज दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर होता है लोड ऑन इट इंक्रीज। ठीक है, ये लोड ऑन इट इंक्रीज होगा ब्रीथ इज वन ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 17 में देखते हैं दोस्तों, द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कॉन्स्टेंट। किसको कॉन्स्टेंट डिवाइस, देखिए मैं बोला था ना ये मेन फ्लक्स डिवाइस को कॉन्स्टेंट करता है, वोल्टेज उसका कॉन्स्टेंट होता नहीं है, करेंट उसका कॉन्स्टेंट होता नहीं है, पावर उसका कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन इसमें मेन फ्रीक्वेंसी दिया नहीं तो मेन फ्लक्स डिवाइस है तो क्या होता है, मेन फ्लक्स डिवाइस ही उसका कॉन्स्टेंट रहता है। थोड़ा कॉमन सेंस है, इसमें किस क्वेश्चन में ज़्यादा दम भी नहीं है, दम तो बहुत है लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। द मेन फ्लक्स डिवाइस होता है, द पावर ट्रांसफार्मर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है दोस्तों, आप देखिए नंबर 18 नंबर को देखिए, जो 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफार्मर सूट है। मैं इससे पहले ही आपको बता चुका था ये क्या होता है, लो रिएक्टेंस, हमेशा क्या होता है लो रिएक्टेंस। आपने रेजिस्टेंस में मत जाइएगा, जब ट्रांसफार्मर का पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ पड़ रहे हैं तो आपको रिएक्टेंस में आना है। इसमें रिलुक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। देखिए रेजिस्टेंस करंट को विरोध करता है, रिलुक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को विरोध करता है, तो ये आता है लो रेजिस्टेंस, द पाथ ऑफ ट्रांसफार्मर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस भी आएगा, एलएक्स आ जाता है उसमें। नंबर 19 में देखते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली रिड्यूस। हम सिलिकॉन जो स्टील कोर में यूज करते हैं किसको मिनिमाइज करते हैं, किसको कम करने के लिए करते हैं, इसमें आपने हमेशा मैं कई लड़का को देखा हूँ क्वेश्चन में तो एडी करंट लॉस को टिक करते हैं, लेकिन ये आता है हाइड्रेटिस लॉसेस। जो हाइड्रेटिस लॉसेस होता है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली, हमने इसीलिए यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील को हाइड्रेटिस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, नंबर 20, द नॉइज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफार्मर इज नोट करके लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करके लीजिए, इस बार ओपीडी सेल में आ रहा है क्वेश्चन। हमिंग साउंड होता है जो ट्रांसफार्मर में, जो नोजल साउंड, जो साउंड बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर का, साउंड प्रोड्यूस होता है कैसे, हमिंग साउंड है, इसको आप नोट करके लग सकते हैं। और क्या है, मेरा थोड़ा ड्यूटी हैवी हो रहा है तो इसी की वजह से मेरा तबीयत खराब है, तो साउंड में मेरा चेंजिंग आ रहा है, ये हमिंग साउंड है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मेरा अब वीडियो आ रहा है, मैं जो वीडियो जो आने वाला क्वेश्चन है उसको लेता हूँ दोस्तों, जो नए वाला आना है उसको नहीं लेता हूँ। थैंक यू।